तो यहाँ मैंने अपनी ये गैलरी के फ्लावर्स सब वॉश किए, फ्लावर पॉट के वॉश किए, एंड मेरा जो फ्लावर पॉट रखा रहता है वो सब भी वॉश किया, दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत सामान मैंने स्विगी से मंगाया था, दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। सो मैंने ये दो बॉटल माजा मंगाए थे रमजान के लिए, और तंदूरी मेयो मैंने डॉक्टर ओटकर का मंगाया था बट वो अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने ये दो दे दिए। मैंने दही मंगाया, फॉइल पेपर मंगाया, लेकिन इसके साथ हमको फ्री मिला ये मलाबार का पराठा। नहीं, मैंने ना ये जूस मंगाई थी, दही मंगाई थी, और ये क्या बोलते मेयोनीज मंगाई थी, फॉइल पेपर मंगाई थी, इतना मैंने मंगाई, लेकिन इन्होंने स्विगी वालों ने मेरे को ना वो पराठा, लच्छा पराठा मलाबार का फ्री गिफ्ट दिए, खाली गरम करके उसको घी लगा के खाओ। यहाँ हम लोग की गरम मसाला पीस के रख के रमजान की तैयारी चालू हो गई। यहाँ सब गरम मसाला मम्मी रोस्ट करके पीस रहे, इससे टेस्ट अच्छा आता है भूंज के। और यहाँ मैंने मम्मी को बोला खाली जीरा पीस लो, अरे बापरे ये भी अपने भूंजा है गरम गरम। तो अभी हम लोग इसको इसको सबको पीस के डाल देंगे ताकि रमजान में हम लोग को मेहनत ना करना पड़े। Everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing good and alhamdulillah हम भी अच्छे हैं। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत और मसाला वसाला पीस के रख रहे हैं जो रमज़ान में इंस्टेंट ऐसा निकालो और डालो जो भी बनाना है उसमें, क्योंकि वो टाइम पे रोज़ा रख के कोई भी मैं तो नहीं इतना मेहनत कर पाऊँगी। तो मम्मी ने पीस पीस के रख दिए हैं और मैंने सोचा है कि आज सारे फ्लावर्स वगैरह जो मेरे आर्टिफिशियल है वो सब क्लीन करूँ, बिकॉज वी शुड क्लीन आर हाउस बिफोर रमज़ान। मैं अपनी मम्मी का लच्छे पराठे फ्राई कर रही हूँ। हाँ, मैंने यम्मी यम्मी लच्छा पराठा रेडी कर दिया है। वो वाला कितने का है? 160। वो 1 kg कर दो। और संतरा अच्छा है, अनार कैसा दिया? 220 रुपए किलो का देता है ना, लेकिन ठीक है इनका फ्रूट अच्छा रहता है। तो आज से रमजान को सिर्फ एक दिन बचा है, मतलब कल ही है रोज़ा स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जाके फ्रूट्स वगैरह ले लिए, कि हम लोग का जैसे आप सबको मालूम रहेगा हम लोग के बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो कौन दो माला उतरे चढ़े रोज़ा रख के। वही ना, वो अगर घूमी तो सीधा नीचे गिरेगा। हम लोग इतने खुश है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए, माशाल्लाह इतने ज़्यादा खुश है, इतने ज़्यादा खुश है कि हम लोग मतलब गरम मसाला पीस रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब कर रहे रमज़ान के लिए, कि हम लोग को रमज़ान में कुछ भी बनाना रहे तो फटाफट सब चीज़ें रेडी रहे, बस डाल के बना लो। इतना हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ जो होती है जो रमज़ान का कार्ड होता है टाइम टेबल का, वही हमारे पास नहीं है। तो हमारे नीचे जो पर्दे वाले भैया हैं वो यहाँ के मस्जिद के में भी उनका पहचान है, आसिफ भाई करके है। तो मैंने आज उनको कॉल किया, मैंने बोला आसिफ भाई कल से रोज़ा है और हमारे पास कार्ड नहीं है। तो आसिफ भाई बोले जाओ दुकान पे, मेरे हिंदी उर्दू और इंग्लिश तीनों में उनने कार्ड छपाए हैं माशाल्लाह। तो मम्मी अभी मेरे नीचे गए थे तो उन्होंने ये इतना प्यारा सा माशाल्लाह कार्ड छपाए है। एक ये है और दूसरा दिखाओ, वो जो था वो अरबी में था, हिंदी में था सॉरी, एंड ये उर्दू एंड इंग्लिश वाला है जो हमको दूसरा मिला है। और इन्होंने ये आईसाइट ऑप्टिकल, अच्छा ये हमारे घर के नीचे जो चश्मे वाले भैया है उनने छपवाए है। और ये किसने छपवाया? और ये मदीने वाला किसने छपवाया? ये भी उन्हीं ने छपवाए है, लेकिन रखे आसिफ भाई की शॉप पे, क्योंकि आसिफ भाई मुस्लिम है और सब मुस्लिम्स आते हैं उनके पास लेने के लिए। तो यस, तो मेन चीज़ ये थी जो हमको अभी जाके मिली है, तो हम लोग ने ले लिए, क्योंकि ये नहीं होता तो सहरी क्या करते और इफ्तार क्या करते। अभी तो मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा है कि बस खिड़की खोल दो तो इतनी हवा आती है, इतनी हवा आती है, मतलब गर्म ज़रा भी लगता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ हॉल में, बेडरूम में, हर जगह ठंडा रहता है, क्योंकि हमारा घर जो है वो अंदर की तरफ पड़ता है जहाँ धूप आती ही नहीं है, तो हम लोग को रोज़ा इंशाल्लाह खलेगा नहीं। फ़ैन इतनी ठंडी हवा फेंकता है माशाल्लाह के ऐसा लगता है फ़ैन ही बंद कर दो। तो इसलिए हम लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह के चलो ठीक है, गर्म वरम लगेगा नहीं, आराम से इंशाल्लाह रोज़ा कट जाएगा।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब गर्म होगा रमजान में, मतलब मेरे को प्यास बहुत लगती है, तो मैंने अपना कूलर वूलर धोया। कूलर के लिए इतना मोटा बर्फ जमा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कूलर के लिए इतना मोटा मैंने बर्फ जमा के रखा है। और उसके अलावा कूलर में पूरा पानी भर के मैंने रख दिया कि भाई अगर जरा भी गर्म होगा तो मैं सीधा कूलर चालू करके बैठ जाऊंगी। लेकिन बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कूलर में पानी पड़े पड़े सड़ रहा है, क्योंकि मुझे खाली गर्मी नमाज पढ़ने के टाइम होती है, तो कूलर लगा के खाली मैं बैठ जाती हूँ, मस्त मुंह पे हवा आती है। मैं बर्फ दिखाती हूँ जो मैंने कूलर के लिए जमाया है ना, कूलर पूरा वॉश करके इसमें पानी, मस्त कूलर के लिए जो है अपना बर्फ जमा लिया है कि बस इसे फोड़ेंगे रमजान में और कूलर में। तो तैयारी हमने गर्मी की भी करी है कि गर्म नहीं होना चाहिए, लग तो नहीं रहा है ठंडा रहेगा, क्योंकि अभी भी फैन में देखो हवा मस्त चलती है। मैंने ये अपना सब साफ करा है ताकि सारे मतलब जाले वूले जो भी रहे घर में वो सब निकल जाए। ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिख गया, मैं खुद देखी हूँ। तरावी पढ़ो पहले तो तरावी का टाइम अभी थोड़ी, अभी ईशा का अजान थोड़ी हुआ। हेलो, हाँ ईशा की अजान थोड़ी हुई अभी, जो तरावी पढ़ू। हेलो, अरे म्यूट हो गया। हेलो क्या बोलते, अरे वो गाल पे फोन रखी थी ना तो म्यूट हो गया था। क्या बोलते, तो ईशा की अजान थोड़ी हुई क्यों झांसी में? सही में नहीं दिखा, सही में नहीं दिखा वहाँ पे चांद? नहीं नहीं नहीं। अबे यहाँ यहाँ कैसे दिख गया फिर? अभी तो मैंने, तू सगी बेटी तो है लेकिन आधा झूठ बोल रही है, कल दिखेगा चांद। अरे तुमको फिर झूठ लग रहा है, सही में बोल रही हूँ तो तुम मेरे साथ मजाक मत करो कि वहाँ नहीं दिखा है। कईयों मामों के दुकान पे भी दिख गया है चांद। हेलो, कईयों मामों के दुकान पे भी तो दिख गया चांद। कईयों मामों के ऐसे तो मेरे मोहल्ले में भी दिख गया। मैंने बोला कि वो पैसा फोन पे कर देती हूँ, पैसा नहीं लेके गई थी, मेरे फोन से आप बात कर रही थी तो मैं ये लेके आ गई। तो मैंने निदा के ब्लॉग में देखा था ये और मेरे को बहुत पसंद आया तो मैंने अभी लेके आई। को लेने का यार, हाँ कहाँ चल, बाल में तेल लगा के बैठी हो, चलोगी? चल एपीएमसी भी जाने का ना, मेरे को एपीएमसी जाने का और मेरे को वो कुर्ती देखने का है उधर। आपको चलने का तो चल, नहीं आप नहीं चल सकती हो मेरे साथ, नहीं पानी आने वाला है, छंकी कौन भरेगा? नहीं मैं जा रही हूँ, बैठ घर पे, बहुत घूमती हो। मैं अभी वैसे ही करूंगी। सो मैंने ना, मैं आज वाशी गई थी मेरे टेलर के यहाँ, तो वहाँ पे मेरे को ना लखनवी कुर्ती बहुत पसंद है, तो वहाँ पे एक ना ऐसे उन लोग ने लखनवी कुर्ती का प्रॉपर दुकान डाले, तो मेरे को ऐसे मन में वो चुल हो रही है कि मैं लू, तब मैं जाके रहूंगी लेने रात के 9 बज रहे। चलो निकलते, तेरे लिए कुछ नहीं लाऊंगी, तेरे लिए कुछ नहीं लाऊंगी, पैसा जेब में। चलो बाय बाय टाटा, गुड नाइट। पहले कोरियर लेते हुए मैं वाशी जाऊंगी, बाय। यस चलो बाय। वो पानी धो के रखना, बर्तन धो के रखना, खाना बना के रखना, पानी भर के रखना, और मेरे लिए पिज्जा बर्गर सैंडविच सब मंगा के रखना। चलो आती हूँ आधे घंटे में। आई थी अपने कुरियर बैग्स लेने के लिए, रमजान के लिए स्टॉक फुल करने, रोजा रख के कोई नहीं आ सकता, कि सब सामान भर लूँ ताकि रमजान में रोजा रख के ना आना पड़े। ये मोटा वाला टेप रहता है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, ये दे दो, और बबल रैप मिलेगा ना, बड़ा रोल लेना पड़ा क्योंकि छोटा ये दे रहे नहीं है। हाँ हाँ दे दो। स्कैनर का है? हाँ। मुझे मेरे लिए तो पसंद नहीं आई, लेकिन मम्मी के लिए आई तो मैंने मम्मी के लिए ले लिया है। और मैं ये यहाँ पे पूजा लेके बैठी हूँ, पूरा रिक्शा घेर लिया है इस बबल रैप ने, यहाँ से देखे यहाँ से बबल रैप लेके जा रहे हैं, और यहाँ मेरे पास फ्यूल पड़ा हुआ है। हाँ नहीं तो था वो इतना बड़ा दिया 80 मीटर का, पागल हो गया, पागल हूँ। कितने का ये? कौन सी डलिया? डलिया ये देखो। तो मैं यहाँ से बोल के गई थी मैं मेरे लिए ला रही हूँ, बट मेरे लिए मिला ही नहीं।
अरे इधर आओ ना यार, ये मैं मम्मी के लिए लेके आई, मस्त लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अमेजिंग नाइट क्रीम्स प्रिपेयर हो रही है, पैक हो रही है। ये हमारे सारे कैप्स वगैरह रखे हैं, सो जिसको भी ऑर्डर करना है ये सिर्फ 550 रुपीस की है। ईद के पहले पहले जल्दी ऑर्डर कीजिए। मम्मी मेरी आजकल सब जला डाल रही है, ये दूध था जो अभी चॉकलेट बन चुका है। जैसे कि हम लोग को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कि आज से रोजा होगा, बट आज नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चांद दिख चुका है, आप सबको चांद मुबारक, रमजान मुबारक। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि वेजिटेबल्स खत्म हो गई है घर में, और पूरा अभी रमजान के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी वो सामान लूंगी, आपको दिखाऊंगी या तो लेते टाइम या तो आने के बाद। सो ये स्टे ट्यून्ड। और मैं थोड़ा अभी अपने घर को सजाने वाली हूँ, तो मैंने अमेजोन से कुछ मंगाई हूँ, दिखाती हूँ। अंकल मैंगो कैसा दिए? गई थी थोड़ा नाश्ते के लिए, सहरी के लिए सामान लेके आई, जैसे हम लोग सुबह में चाय पीते सहरी में, तो टोस्ट का पैकेट। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आपके यहाँ ताज़ा का काजू का टोस्ट मिलता हुआ तो ज़रूर लेना। फिर पिज़्ज़ा बेस लिया है मैं, इंशाल्लाह कल इफ्तार में पिज़्ज़ा बनाऊंगी। फिर मैंने ओरेगानो सीजनिंग लिया है, लेकिन बाई चांस कम पड़ गई तो, और चिली फ्लेक्स लिया है। उसके बाद मैंने डार्क सोया सॉस लिया है, पैकेट्स लिए हैं क्योंकि बॉटल्स में मैं ज़्यादा ये सब यूज़ नहीं करती हूँ तो वेस्ट होता है। चिली सॉस लिया है, शेजवान चटनी लिया एक्स्ट्रा के लिए, और ब्रेड लाई हूँ मैं, अभी ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी इंशाल्लाह। फिर चिकन टिक्का मसाला लिया है मैंने, एंड मैंने रियल का गुआवा जूस लिया जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। बाकी सामान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल लेके आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो अभी फ़िलहाल ये लेके आए एंड थोड़ी बहुत भाजी लेके आए हैं। तो मैंने ये थोड़ा बहुत सामान मंगाया था वन, सो ये मुझे चाहिए था रमज़ान में अपने घर लगाने के लिए। एंड दूसरा ये मैंने क्लिंग फिल्म मंगाया है, क्योंकि जैसे फ्रूट्स बच जाते हैं तो प्लेट से ढकने से अच्छा अपन ऐसा रैप कर सकते हैं। आप लोग को ये ज़रूर काम आएगा इस रमज़ान। ये है सारे स्टिकर्स जो मैंने मंगाया है फॉर द रमदान वाइब जो अच्छा लगता है, तो मुझे देखना है कि मुझे इन सबको कहाँ रखना है। और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा प्यारा लिखा हुआ है सारे मैसेजेस। मम्मी ने नहीं देखा, मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मी इधर आओ ना, ये देखो क्या मंगाई थी मैंने, ये देखो क्या मंगाई थी मैंने, दो मदीना शरीफ मस्जिद या अल्लाह का लिखा है, मतलब रमज़ान का, ये रमज़ान मुबारक। मैं तब खाऊंगी जब सूरज ढल जाएगा, कम सोना और नमाज ज्यादा पढ़ो। अमेजोन से हाँ, मस्त लग रहा है ना। बहुत मुश्किल से नीचे गई और दुकान वाले अंकल से ये मांग के लेके आई थर्माकोल, ताकि मैं ये सेट कर सकूं, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी डालने। तो ये देखिए कितना प्यारा 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 लग रहा है। यस, तो अब मैं इसे लगाती हूँ और दिखाती हूँ। हाँ मेरी टोपी, मैंने कैप नहीं लगाया क्योंकि इसका रमजान से लगा के कोई मतलब नहीं है। यस को मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब वैसा लग रहा है कि हाँ रमजान है। अब मैं लगाऊंगी लाइटिंग्स मेरे बालकनी में और दिखाती हूँ। आई गेस लास्ट रमजान में किसी ने तो एज अ पीआर पैकेज लाइटिंग्स भेजी थी जो मैंने आज तक नहीं लगाई थी, बट मैं आज लगाने जा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। मैं लाइट्स लगा रही हूँ, स्टार्ट का तो मैंने लगा दिया, मम्मी मेरे लेट आए हैं, मैं अभी यहाँ पे प्लेस करूँगी। एकदम सीधा सीधा लगाऊंगी तो मजा नहीं आएगा, आड़ा टेढ़ा लगा। So guys, मेरा लगाना चालू है, अब लगने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कैसा लगता है। ऑफ मैंने अपने पीछे लाइटिंग्स लगा दिए, स्टार लाइट्स, तो कैसा लग रहा है, मतलब कुछ कर नहीं सकते ज्यादा कुछ, बस वो मैंने थोड़ा सा सजाया और ये लाइटिंग्स लगाई। माशाल्लाह मुझे अच्छा लग रहा है कि खाली रात में ही चालू हो गया, ऐसे दिन में तो चालू नहीं रहेगी, बट अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे यहाँ पे भी लाइट्स हैं जो कि अभी फिलहाल मैंने ऑफ कर रखी है। तो ये सभी थोड़े ही टाइम में सहरी का टाइम होने वाला है, और उसके पहले मुझे अपना पूरा व्लॉग अपलोड करना है। तो यस, ये मेरा रमजान का प्रिपरेशन था, ये 3 दिन का व्लॉग एक साथ था 3 दिन का, और आज है चांद रात। तो आप सबको चांद मुबारक और रमजान मुबारक। दुआ में याद रखना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह और वीडियोज रमजान में मैं डालती रहूंगी। तो बाय, गुड नाइट।